सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी हाइट ग्रोथ करना चाहते हैं। एंड आज मैं हाइट ग्रोथ को एक चीज के साथ रिलेट करना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में आया कि हाँ, ये तो हो रहा है, इंडिया में ये हो रहा है, एंड इसी कारण से हम लोगों का हाइट उस लेवल में नहीं बढ़ रहा है। अगर हम अपने आप को कंपेयर करें अदर कंट्रीज के साथ, तो इन कंपेरिजन हमारा हाइट उनसे कम है। ऐसा बात नहीं कि हमारा जेनेटिक्स खराब है यार, जो जेनेटिक्स हमारे पास है ना, अगर हम अपना जेनेटिक्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करें तो पूरा वर्ल्ड हमसे कोई नहीं सकेगा। लेकिन हम लोग कुछ गलतियां करते हैं जिसके वजह से हमारा हाइट मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल तक पहुंच नहीं पाता है। हर एक बंदा का एक जेनेटिक पोटेंशियल है। जैसे कि मैं अपना बात कहना चाहता हूं, जब मैं 18 साल का था तो मेरा हाइट बिल्कुल ही कम था। मेरा हाइट था 5 फीट 2 इंचेस। एंड जब उसके बाद मैंने एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करना स्टार्ट किया, मैंने अपने आप को टोटली चेंज कर दिया था, जिसके वजह से मैंने अपना हाइट को 10 इंचेस तक गेन किया। एंड एट द एज ऑफ 20 मैंने अपना जेनेटिक पोटेंशियल हाइट को अचीव कर लिया। एंड उसके बाद मैं जितना भी ट्राई करूँ मेरा हाइट नहीं बढ़ेगा। उसके बाद से अभी तक मेरा हाइट नहीं बढ़ा है, वही सेम हाइट है। तो वैसे जब आप अपने ऊपर मेहनत करोगे तो आपका बॉडी चेंज होगा, आपका हाइट चेंज होगा, ठीक है। एंड आप अपना मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल हाइट को अचीव करेंगे, एंड उसके बाद आप चाहे जितना भी अच्छा डाइट ले लो, चाहे कुछ भी कर लो, आपका हाइट और नहीं बढ़ेगा। मैं अभी कुछ भी कर लूँ अपने साथ, मेरा हाइट और नहीं बढ़ेगा। सो हमें अपना मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल हाइट को अचीव करना है। उसी तरीके से यार, ओलंपिक में हम सब इतना पीछे हैं। रीजन आपको पता है? सपोज आप स्कूल जाते हो तो उसमें गेम्स पीरियड रहता है, गेम्स पीरियड, वो भी हफ्ता में एक दिन। डेली आपको गेम्स पीरियड नहीं मिलता है। एंड हम लोग स्पोर्ट्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। स्पोर्ट्स एक अलग हमारे लिए लाइफ हो सकता है, एक हमारा रोजी रोटी का ये हो सकता है, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। इंडिया में ये कल्चर है ही नहीं कि स्पोर्ट्स यार कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। वी ओनली कंसंट्रेट ऑन एडुकेशन। एडुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पोर्ट्स उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है, आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो बचपन से एक ऐसा माहौल बनाया गया कि हमें बस पढ़ना है, लिखना है, हमें क्रिकेट नहीं खेलना है, फुटबॉल नहीं खेलना है, हमें कराटे नहीं सीखना है, हमें जैवलिन थ्रो नहीं करना है, हमें रेसलिंग नहीं करना है, हमें जिम नहीं जाना है। मतलब मिथ्स पे मिथ्स, बस डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, बस, ठीक है, हमें यही पता है। और कुछ हो सकता है इसके बाहर, ये पता नहीं है। तो जब हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जब हम फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, हमारा ग्रोथ पे क्या होगा? एंड हम लोग क्या सोच रहे कि यार ओलंपिक में हम लोग इतना पीछे हैं, हम लोग को मेडल क्यों नहीं मिल रहा है? आप अदर कंट्रीज को देखो, उनको कितना कितना मेडल मिल रहा है, एंड हम रैंक वाइज कितना पीछे हैं। एंड इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 140 करोड़ या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है। सबसे ज़्यादा मेडल हमारे पास आना चाहिए। एंड मुझे यकीन है कि हमारे में जो काबिलियत है, अगर हमें प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर कोचिंग मिले, एंड पेरेंट्स का अच्छा सपोर्ट मिले, साथ ही साथ गवर्नमेंट का अच्छा सपोर्ट मिले, तो यार ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल इंडिया को मिलेगा। अगर हम लोग ध्यान देना स्टार्ट करें तो ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल इंडिया को मिलेगा। जैसे कि हम लोग ओनली क्रिकेट पे फोकस करते हैं, बस हमें यही पता है कि स्पोर्ट्स मतलब क्रिकेट, फुटबॉल नहीं है, हॉकी नहीं है, रेसलिंग नहीं है, जैवलिन थ्रो नहीं है, शूटिंग नहीं है, ठीक है, बस हमें क्रिकेट पता है। उसी तरीके से अगर अदर स्पोर्ट्स भी ग्रो करें साथ में, वही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए, हर चीज प्रोवाइड किया जाए, अच्छा डाइट, अच्छा तुम्हारा वर्कआउट ट्रेनिंग, अच्छा कोच, अच्छा लॉजिंग फैसिलिटीज, हर चीज का अगर प्रॉपर ध्यान दिया जाए, तो यार ओलंपिक में हमें कितना गोल्ड मेडल मिलेगा। देखो यहां पर मैं दो चीज आपको बताना चाहता हूं। सपोज आपको हाइट बढ़ाना है, तो अगर आप बचपन से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आपको अच्छा डाइट प्लान नहीं मिल रहा है, आप बस पढ़ाई कर रहे हैं, बस दिमाग के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है,
आपका रेस्ट रिकवरी एकदम खराब हो रहा है। मैंने अभी तक ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा अपने आंख से कि यार वाह क्या डाइट लेता है, इससे इसका अच्छा ग्रोथ होगा। बस नॉर्मल खाना, बस पेट भरने पे ध्यान देता है। क्या इससे आप अपने जेनेटिक पोटेंशियल को अचीव कर पाएंगे? कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। जैसे कि सपोज ओलंपिक में कोई भी एक स्पोर्ट पकड़ लो, ठीक है, जिसमें हम लोग लैक कर रहे हैं, अगर उस एथलीट को अच्छा वर्कआउट ना मिले, ठीक है, अच्छा ट्रेनिंग ना मिले, उसको अच्छा डाइट ना मिले, उसको अच्छा कोचिंग नहीं मिले, उसको पुश नहीं मिले, ठीक है, वो ट्रेनिंग नहीं मिले, तो फिर वो मेडल कैसे लाएगा? वो लैक कर रहा है तो वो अपना पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पा रहा। उसका एक अलग पोटेंशियल है जो तभी पॉसिबल है जब उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगा, उस लेवल का उसको डाइट मिलेगा, उस लेवल का कोचिंग मिलेगा, उस लेवल का फैसिलिटीज मिलेगा। उसी तरीके से आप अपना जेनेटिक पोटेंशियल हाइट को कब अचीव कर सकते हैं? जब आपको उस लेवल का ट्रेनिंग मिले, आपका हेल्थ टॉप मोस्ट पोजिशन में है एंड साथ ही साथ आपका पेरेंट्स का सपोर्ट, ठीक है, स्ट्रेस कम करना होगा। आजकल बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ाई तो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पोर्ट्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूं स्पोर्ट्स पढ़ाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसीलिए यार इंडिया बीमारी का घर बन चुका है, बीमारी हो रहा है बिकॉज पेरेंट्स को नॉलेज नहीं है कि क्या अच्छा खाना है क्या बुरा खाना है। बस रोटी सब्जी हमें पता है, लेकिन कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कैलोरीज खाना चाहिए, कितना फैट लेना चाहिए, कितना फल सब्जी चाहिए, कितना रिकवरी चाहिए, कितना ग्रोथ होना चाहिए, क्या वर्कआउट करना चाहिए नहीं चाहिए, कुछ नहीं पता है। बस हम लोग अपना मन से सोच लेते हैं ये अच्छा ये खराब है, बस हम लोग उसी तरीके से चलते हैं एंड ये कल्चर बन चुका है। अगर आपको पता नहीं है तो फिर आपका बेटा बेटी भी वही सीखेगा, फिर वो अपना बेटा बेटी को वही सिखाएगा, यानी ये चलते रहेगा एंड इस चीज को ठीक करना है हमें, ठीक है। तो अगर हम हाइट में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारा भी हाइट अच्छा रहे, 6 फीट या उससे ऊपर हाइट रहे, तो सबसे पहले हमें अपना रूट को ठीक करना होगा। एक बच्चा को प्रॉपर गाइडेंस देना होगा, उस बच्चे को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या ट्रेनिंग करता है, क्या डाइट लेता है, क्या क्या कर रहा है थ्रू आउट द होल डे, उसके ऊपर कितना लोड पड़ रहा है, वर्क मैनेजमेंट, लोड मैनेजमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है, तब जाके उस बच्चे का डेवलपमेंट होगा। बस खाली पढ़ाई करने से नहीं होता है। एंड मैं इंडियन गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स को भी ध्यान दिया जाए एंड ये भी किसी का कैरियर बन सकता है। बस डॉक्टर इंजीनियर पायलट ये कैरियर नहीं है, स्पोर्ट्स भी एक कैरियर है, तब जाके हम लोग आगे जा पाएंगे एंड ये मेरा मानना है एंड मुझे पता कि ये सही चीज है एंड इसको प्रमोट करना चाहिए। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सपोर्ट मी, ठीक है, ताकि हम इस चीज में आगे जा सके। जैसे कि हाइट बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज हाइट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, किसी को जॉब में चाहिए, किसी को एक्टिव में चाहिए, ठीक है। एंड हाइट मतलब पर्सनैलिटी, तो ठीक है, आपका हेल्थ भी टॉप मोस्ट रहेगा। जब आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो आपका हाइट ग्रोथ करेगा एंड जेनेटिक पोटेंशियल हाइट को अचीव करने के लिए आपको बचपन से वो गाइडेंस मिलना है, ठीक है, तब जाके आप उसको अचीव कर सकते हैं। 2 दिन का चीज नहीं है कि आप 2 महीना में, 4 महीने में, 5 महीने में आप उस लेवल में पहुंच जाएंगे। यस, आप चेंज करोगे लेकिन उसके लिए टाइम लगता है। मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि आप 2 महीना में इतना हो जाएंगे, 5 महीने में इतना हो जाएंगे। यू हैव टू टेक टाइम, यू हैव टू गिव टाइम टू योर बॉडी, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग ओलंपिक्स में यार अच्छा मेडल ला सकते हैं, बहुत सारा मेडल ला सकते हैं, अगर हमें स्कूल में 2-4 पीरियड मिले गेम्स का, डेली 1-2 पीरियड रहना चाहिए गेम्स का, ठीक है, एंड वहां पर अच्छा गाइडेंस मिलना चाहिए, फिर पेरेंट्स का सपोर्ट, फिर पेरेंट्स को देखना है कि घर में बच्चा क्या डाइट ले रहा है, क्या वर्कआउट ले रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर उस बच्चे को एक अलग कोचिंग में डाला जाए, चाहे उसको शूटिंग में जाना है, चाहे रेसलिंग करना है, चाहे कुछ भी स्पोर्ट्स में उसको जाना है, तो पेरेंट्स को सपोर्ट करना होगा, तब जाके हम उस स्पोर्ट कैटेगरी में सक्सेस कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स के लिए ट्यूशन लेते हैं, फिजिक्स के लिए ट्यूशन लेते हैं, उसी तरीके से हमें जिस स्पोर्ट में सक्सेस करना है उसके लिए अलग कोचिंग चाहिए। तो पेरेंट्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझने का ट्राई करिए। बस वही नहीं सोचना कि बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जमाना चेंज हो चुका है, आप तो देख ही रहे हैं कि कितना बीमारी ये सब बढ़ रहा है एंड इस चीज़ को अवॉइड करना होगा,
ठीक है, सही न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सही ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।